हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपनी बाइक सर्विस सेंटर लेके आया था, कुछ छोटा सा इसमें काम था। तो सामने मेरे को ये दोनों बाइक्स दिखी, ये जो नया नए कलर्स आए हैं इसके अंदर, आरएस के अंदर। तो मैंने कहा एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो बना लूँ। तो ये कंपैरिजन वीडियो साइड बाई साइड आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस जो देख रहा हूँ इसके व्हील्स में, देख रहा हूँ कि स्ट्राइप आती है, इसमें ऐसी कोई स्ट्राइप नहीं है। और इसका जो फ्रंट फेंडर है ये सेम कलर का दे रखा है जिस कलर की बाइक है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होगी, जैसे ये फ्रंट फेंडर है तो बाद में अगर ये चेंज करवाना पड़ा, क्योंकि ये इससे बाइक बहुत गंदी होती है। जैसे कि मेरी, आपने वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, मैंने अपनी बाइक में ये हाइनेस का जो है फ्रंट फेंडर लगवा दिया था, तो मेरी बाइक गंदी नहीं होती। तो इसमें अगर वो बाद में चेंज कराना पड़ा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये रेड कलर का नहीं मिल पाएगा। मेरी बाइक में ये सेम ग्रे कलर का था तो मैंने वो ग्रे कलर का लगवा लिया। दूसरा डिफरेंस इसमें, ये यहाँ पर भी रेड दे दिया, उसमें ये सेम हैंडल बार के कलर का है ग्रे, ठीक है। साइड में अगर आ जाते तो टैंक कुछ ऐसा दिखता है इसका, 2-3-4 कलर है टैंक में देखा जाए तो। रेड है, सिल्वर है, गोल्डन की एक स्ट्राइप है और एक ब्लू की स्ट्राइप है। यहाँ पे ये रेड हमारा बिल्कुल क्लियर टैंक है। यहाँ पे नीचे जो इसके प्लेट लगी हुई है इंजन पे, ये क्रोम की है बट यहाँ पे ये ब्लैक दे रखी है। साइलेंसर भी इसका पूरा ब्लैक है सिमिलरली, और यहाँ पे क्रोम का हमें दो पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं साइलेंसर में। बाकी जो साइड पैनल्स हैं इसमें भी सेम वही कलर स्कीम यूज़ करी हुई है, यहाँ पे ये ब्लैक और रेड और वाइट है। और सिमिलरली ऐसे पीछे से टेल पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसकी टेल ग्रे है और इसकी टेल पे ये ऐसे कलर दिया हुआ है रेड, और यहाँ पे सेम ऐसे ही कोई ब्लू कलर है, वो इन्वर्टेड हो जाते हैं, सिल्वर की जगह ब्लू आ जाता है और ब्लू की जगह सिल्वर आ जाता है। तो ये दो कलर इसके अंदर आता है। पीछे भी जो है व्हील पे एक और स्ट्रिप है। तो ये डिफरेंस थे बस मेजरली, मेरे को यही लगा कि भाई फेंडर को लेके, क्योंकि गंदी बहुत होती है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखने वाली होगी इस बाइक को परचेज़ करते हुए। थैंक यू।